बच्चों नमस्कार। पिछले कुछ सालों से आप लोग आस्वादन टिप्पणी से परिचित होंगे, है ना? हमारा पहला पाठ एक कविता है। कविता का शीर्षक है पुल बनी थी माँ। विक्टर्स चैनल की ओर से आप लोग कविता का आशय समझ चुके होंगे। एक कविता के लिए आस्वादन टिप्पणी कैसे तैयार करें, अब हम उसके संबंध में चर्चा करें। बच्चों आस्वादन टिप्पणी तीन अनुच्छेदों में लिखी जाती है। पहला अनुच्छेद है भूमिका यानी इंट्रोडक्शन, इसमें कवि और कविता का परिचय लिखना है। इसके बाद कविता का विषय भी लिखना है। दूसरे अनुच्छेद में कविता का आशय संक्षिप्त रूप में लिखना है, संक्षिप्त माने ब्रीफ। तीसरे अनुच्छेद में कविता में प्रयुक्त बिंब, प्रतीक, विशेष प्रयोग, विषय की प्रासंगिकता, अपना दृष्टिकोण और शीर्षक की सार्थकता भी लिखनी है। आस्वादन टिप्पणी लिखते समय इन सब बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले शीर्षक, पहले अनुच्छेद भूमिका में कवि और कविता का परिचय, कविता का विषय आदि लिखना है। दूसरे अनुच्छेद में कविता का आशय संक्षिप्त रूप में लिखना है। तीसरे अनुच्छेद में कविता में प्रयुक्त बिंब, प्रतीक, विशेष प्रयोग, कविता का संदेश, शीर्षक की सार्थकता, विषय की प्रासंगिकता आदि लिखनी है। देखो बच्चों, पुल बनी थी माँ कविता पर आस्वादन टिप्पणी। आस्वादन टिप्पणी का शीर्षक है अनमोल सहारा। समकालीन हिंदी कवियों में अग्रणी है श्री नरेंद्र पुंडरीक। उनकी लिखी हुई एक सुंदर प्रतीकात्मक कविता है पुल बनी थी माँ। वर्तमान समाज में वृद्ध जनों यानी बूढ़े माँ बाप का संरक्षण संतानों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। कवि बूढ़े लोगों विशेषकर माँ के प्रति अपने मन की संवेदना प्रकट करते हैं। माँ अपने परिवार के सदस्यों के बीच एक पुल बनकर जिंदा रहती है, अर्थात परिवार के सभी सदस्यों को प्रेम से मिलाने वाली कड़ी है माँ। इस माँ रूपी पुल पर बच्चों की जिंदगी रूपी रेलगाड़ी बेरोक टोक चलती रहती है। पिता की मृत्यु के बाद अपने परिवार का पूरा दायित्व माँ के ऊपर आ गया। माँ अपने बच्चों के सभी कार्य संभालती रही। धीरे धीरे माँ शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने लगी। एक ही बात माँ बार बार कहने लगी। इस आदत को बच्चे बुढ़ापे की निशानी मानने लगे। जब माँ एक दिन बच्चों के आश्रय में आ गई, तब बच्चे महसूस करने लगे कि माँ हमारे लिए बोझ बन गई है। जिंदगी भर बच्चों के लिए जीने वाली माँ बुढ़ापे में बच्चों को बोझ बन गई। जब माँ की मृत्यु हो गई, तब बच्चे पहचानने लगे कि हम बेसहारे और दुर्बल बन गए हैं। कविता की भाषा सरल एवं गंभीर है। पुल, रेलगाड़ी, हरी लाल बत्ती आदि प्रतीक और कंधों में आना, वृषभ कंधा, कंधा बदलना, कंधों से उतर गई, उतर गए कंधे आदि प्रयोग कविता को उज्जवल एवं रोचक बना देते हैं। इस दृष्टि से देखें तो कविता का विषय प्रासंगिक और सशक्त है।